पिछले दिनों श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपना मुंह छुपाने को लेकर ट्रोल हो गई थी। बता दें उन्हें सैफ अली खान के नवाब जादे इब्राहिम अली खान के साथ स्पॉट किया गया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हालांकि इस मामले पर पलक तिवारी ने मुंह छुपाने के पीछे की वजह भी बताई थी। पलक ने इसके बाद बताया कि वो सिर्फ दोस्त हैं और अब एक बार फिर से दोनों को एक साथ पार्टी में देखा गया है, जहां पलक इब्राहिम के साथ नजर आई हैं। लेकिन इस बार पलक ने किसी के सामने अपना मुंह नहीं छुपाया, बल्कि बड़ी बेपाकी से कैमरे का सामना किया है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात दोनों स्टार किड्स अपने दोस्तों के साथ डिनर पर निकले थे। बाद में उन्हें पेपराजी ने मुंबई में रेस्टोरेंट के बाहर निकलते ही घेर लिया। बता दें इस वीडियो में पलक तिवारी एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं और वो जल्दी में निकल रही हैं और साथ ही देर होने का हवाला दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम कार में अपने दोस्तों के साथ नजर आए। इस वीडियो में दोनों के लुक की बात करें तो इब्राहिम सफेद शर्ट और कैजुअल पैंट में नजर आए, तो वहीं पलक भी सफेद टॉप, हरे रंग की स्कर्ट में, ग्रे जैकेट में काफी स्टाइलिश लग रही हैं। तो इन दोनों के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस एक बार फिर इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सवाल करने लगे हैं। इस वीडियो पर लगातार कॉमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने तो लगे हाथ सीधे ही पूछ डाला, क्या पलक और इब्राहिम डेटेड कर रहे हैं? तो दूसरे यूजर ने लिखा, ये क्या चक्कर है, मुझे लगता है कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। पलक ने इब्राहिम के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लोगों ने जो बोला वो सब अनुमान था और इसलिए मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम बस बाहर गए थे और हम फंस गए और बात वहीं खत्म हो गई, बस इतना ही। हम वहाँ दोस्तों के ग्रुप के साथ थे, वहाँ हम अकेले नहीं थे, पर लोगों को यही कहानी पसंद आई तो उन्होंने वैसा ही सोचा।